मैं वन वाले में अंदर ही आना है ना। सीधा आके नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं काला पाठा नर्सरी वन विद्यालय की। आपका नाम बताइए। मैडम ने हमको कॉल किया था, यहाँ पर सांप निकलने की हमें सूचना लगी है। माय गॉड, तो पाइथन है, देख सकते हो आप दोस्तों। यह अजगर है जो कि काफ़ी बिग साइज का है। कैन नहीं इसके लिए बोरी लगेगी भैया, बोरी यहीं तो आपकी बोरी भी लगेगी। बोरी ला रहे हैं। अरे सीमेंट की बोरी लाजमी खाली वाली। इधर दिखाना, पब्लिक दिखा दो सारी। सो देख सकते हो आप दोस्तों, काफ़ी हड़कंप का माहौल है और काफ़ी बिग साइज का पाइथन यहाँ पर है दोस्तों। ये अजगर ही है, ये दरअसल वाइपर नहीं है जो मैं बोल रहा था। वैसे रेयर प्रजाति होती है ये भी अपने इधर। नहीं लेकिन आपने जो बोला ना, हम लोग सोचे कि ये अजगर को भैया क्यों दूसरा काम बोल रहे हैं। ठीक है। ये हमारे यहाँ 4 साल से है, इस बार ही इधर आया भाई। ये बोरी लेना, बोरी पीछे अंकल थोड़ा सा इधर हो ना, फोटो खींचना में आ जाओ। तो ये दोस्तों देख सकते हो आप, काफी बिग साइज का ये अजगर सांप। रोड पे लांगो पे लांगो लांगो आटक पिट का है ना। अरे भाई उनका देख लो क्या भाग रहे, बिल्कुल हेलो बस पकड़ लिया साहब। हाँ पकड़ लिया, पकड़ लिया। ये लाए ना भाईजान को, दो लोगों को। हाँ विशाल विश्वकर्मा, मैं यही तो वो कर रहा था। देखो कहाँ गिर गया। हाँ 8:30 बजा है तो दोस्तों ये रेस्क्यू कर लिया है। फोन लेना, ले ये ले भैया। देखो जो बिना जहर वाला सांप होता है उसके दांत ऐसे होते हैं, ऐसे इतने सारे दांत होते हैं। और जो जहर वाला सांप होता है उसके दो दांत होते हैं। इसमें जहर नहीं है, इसमें जहर नहीं है, नॉन वेनमस से सांप है, लेकिन ये इंसान की हड्डियां तोड़ देता है। मतलब काफी गिलता है ना, गिल के झाड़ में लपेट इंसान को गिल लेता है। सो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, इसको लेके चलते हैं इसके अनुकूलित वातावरण में। पूरी ला लो, हाथ लगाना तो अभी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। सो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, इसको लेके चलते हैं अनुकूलित वातावरण में। हमको दिखा दीजिए कहाँ लेके छोड़ो भैया। मैडम आपका नाम और जगह बता दीजिए। हाँ काला पाठा रोपड़ी। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये बिग साइज का अजगर जो पाइथन सांप जिसे अपन बोलते हैं, इसको रेस्क्यू कर लिया है। होगा 15 किलो काटे पे नाप लो ना। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको सांप काटता है तो सरकारी हॉस्पिटल जाना है, बाबा झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल नहीं लगना है। झाड़ फूक या मंत्र वाली ऐसी कोई चीज नहीं होती है। कई बार लोगों को सुनने में आता है कि जैसे सांप काटता है तो वो हमारे पास आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये अंधविश्वास लोगों के दिमाग से ख़त्म करना है दोस्तों अपने को।
और ये जो सांप है दोस्तों, ये नॉन वेनेमस सांप है। इसी टाइप का एक सांप आता है जो कि रसल वाइपर लगेगी उसको। रसल वाइपर जो होता है वो अजगर के समान दिखता जरूर है लेकिन अजगर होता नहीं है। दोस्तों मैं भी यही समझ रहा था कि यहाँ पर रसल वाइपर होगा लेकिन अजगर प्रजाति का सांप जो हमने अभी रेस्क्यू कर लिया दोस्तों, तो देख सकते हो आप हड़कंप का माहौल है सभी मजदूरों में। और ये मैडम सर भी काफी डर गए थे सांप को देख कर। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बैतूल सरमित, मैं आज आया हूँ ये जो हमने सांप रेस्क्यू किया था वन विद्यालय नर्सरी कालापाठा से दोस्तों। तो ये काफी बिग साइज का अजगर है दोस्तों, देख सकते हो आप, इसको बर्मी पाइथन बोलते हैं। ये देख सकते हो आप अजगर दोस्तों। इसी टाइप का एक सांप आता है जो कि रसल वाइपर होता है, ज्यादातर वो अजगर जैसा दिखता जरूर है लेकिन होता नहीं है दोस्तों। अजगर की पहचान ये है दोस्तों, आप देख सकते हो अच्छे से, काफी बिग साइज का अजगर सांप। और जब भी ये एस का आकार बना रहा हो तब समझ लेना कि ये बाइट करने की कोशिश करेगा, ये एस का आकार इसलिए बनाता है। ये देखो इसकी आवाज, देख सकते हो आवाज कैसी कर रहा है वो। इधर यहाँ से खींचो, यहाँ से, यहाँ पे एक अप्पू फोटो खींचना बेटा मेरे। आओ जा गले में लेते हैं इसको। 10 फीट के लगभग में है दोस्तों, ये प्रॉपर 10 फीट का है बाबा, ये 10 फीट के लगभग में है। तो दोस्तों इसको हमने वन विद्यालय से रेस्क्यू किया था दोस्तों, ये देख सकते हो इसकी सुकार का है और ये बाइट करने की कोशिश करेगा। और इसमें जहर नहीं होता, नॉन वेनम से नहीं है, इसमें भी नहीं होता, इसमें जहर नहीं होता, ये सिर्फ काटता है और निगल लेता है। हाँ इसमें जहर नहीं होता। तो इसने इसने खाया क्या इनको? नहीं खाया तो नहीं है, खाने के पर्पज से घर में गया होगा। वो भैया बहुत बड़ा होता है, ये देखिए देख, कुछ नहीं घोड़ रहा, बाइट करने की कोशिश कर रहा था। विशाल कितने किलो का? 15 किलो। इसको मैं डॉक्टर के यहाँ नाप चुका हूँ। डॉक्टर के यहाँ ले गए? वो डॉक्टर तो बोल रहा हूँ मेरा इलाज कर देंगे। क्यों विशाल? भैया 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 आराम से, आराम से, आराम से। ये देखिए दोस्तों, जैसे इसकी लंबाई नापते हैं पहले, ये है गाइस इसकी लंबाई, इधर आ जाओ, कितना है? आ जाओ भैया इधर आ जाओ, ये सीधी करो, पूछ पूछ सीधी करो, 10 फीट का है बे, पूछ सीधी करो, पूछ जा 11 फीट का समथिंग, पूछ सीधी करो। हेलो कितना है? 10 फीट, 10 फीट 4 इंच का है दोस्तों। ये पकड़ो टेप, पकड़ो, मैं उधर जा रहा हूँ। कैमरामैन भैया इधर आ जाओ, यहाँ पर फोटो खींचना आपको। चलो जाओ, ले आओ ले आओ, इधर ले आओ, ये दिखा दो, ये देखिए दोस्तों, यहाँ ले आओ भैया, यहाँ इधर ले आओ, कैमरे वाले भैया इधर आ जाओ, तक रखना उसको। ये जब भी एस का आकार बनाता है, मतलब झपटने वाला है। हाँ। अब लो भैया आप फोटो लो, बार करने की अब दिख जाएगा। अरे वाह, वो यक बना, टीना बना, अब लो भैया बाइट करने का, इसमें जहर बिल्कुल भी नहीं होता। ये नहीं मोटा है ना, लेकिन अभी मुठा है था ना उसने, ऐसा ऐसा। हेलो ये इसका जो ये उतना बड़ा जो, तो ये मतलब एक बकरे बकरा को तो निकल लेगा, कुत्ते को इतना बड़ा तो निकलेगा, बच्चे को निगल लेगा बकरी के। हाँ बकरी के बच्चे को निगल सकता है ये,
चार महीने का अगर बच्चा होगा छोटा बच्चा मुंडी उठा रहे उसको तो निकल ले यार उठाने सीखता हूँ लेकिन उठा नहीं पा रहा तो मेरे साथ तो बहुत कम अपने आप बहुत कम होंगे बना रहा है कहीं टीना बना दे टीसी बना दे देख ये ऐसा टक्कर देख रहे ओ बाबा चल तो दोस्तों देख सकते हो आप ये इस तरीके से अटैक करता है दोस्तों इसके अटैक में जो आ गया वो उसकी हड्डी पसली तोड़ देता है दोस्तों और उसको निगल जाता है पहले ये शिकार को मारता है उसके बाद निगलता है दोस्तों और पचाने के लिए पेड़ में अपने आप को लपेटा जाता है तो दोस्तों इसको करते हैं अनुकूलित वातावरण में रिलीज बने रही है वीडियो में रुकना भाई पकड़ कर अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा भाई देख सकते हो ये अजगर जा रहा है फोटो खींच देंगे अच्छी जगह लेके आया से क्लिक कर देना अरे यहाँ से क्लिक कर दे जा रहा है जिगर ये देख ज्यादा खेलना नहीं घातक हो जाते हैं जहर होता नहीं है इसमें अगर ये काट ले तो घाव बन जाता है और अगर ये हाथ पे लपेट ले तो हड्डी तोड़ देता है ऐसा में सही में आगे तुमको मजाक ही लगेगा और इधर खड़े हो जाएंगे वहां पे चुपचाप ऐसे ऊपर चढ़ने देना ऊपर चढ़ने देना क्या चढ़ रहा हूँ जाएगा गाइस ये देख सकते हो अब अजगर कैसे चढ़ता है झाड़ पे और किस प्रकार से भोजन को करने के बाद में वो भोजन को मतलब मारता है पेट में हड्डियां तोड़ता है वो अभी आपको दिखेगा ये झाड़ पे चढ़ के कैसा मुड़ जाएगा सोच रहा हाइट ज्यादा है झाड़ की चढ़ू की नहीं चढ़ू तो आओ इसको थोड़ा डिस्टर्ब करते जाएगा अब ये जा रहा है पेड़ भरा लिया इसमें कुछ तो हुआ ऐसे और मिसाल थोड़ा सा और उसको मार गया था पीछे तो ये जिगर आ रहा है ये वीडियो है हाँ भैया वहाँ ऋतुराज से छोड़ी ये जिगर जा रहा है ठीक अरे बेटा वो तेरे टूट जाएगा झाड़ बोलने इधर चढ़ अरे उधर मचड़ बेटा तेरा वजन ज्यादा है नहीं नहीं वहाँ पे वजन रख के फिर उधर चढ़ेगा गलत जा रहा है गलत जा रहा है साइज के हिसाब से चढ़ रहा है झाड़ पे भी चढ़ना नहीं नहीं है बड़े है ना ये तो छोटा है समझ लो अभी एक अड्रा फिश का अजगर के खेत में वो बोल रहे हैं ठीक है ना वो अंकित भाई को पकड़वा देंगे ना अंकित भाई जाओ अड्रा फिश का कहीं फोन आएगा पकड़ देखो कैसे बनाई है अब देखो राउंड बना रहा है ये ऐसा अब ये इधर लपटेगा पूरा ये देखो थोड़ा पीछे हो जाते सब लोग थोड़ा स्पीड में चढ़ता है मेरी माँ ने मुझे खुद के दम पर चलना सिखाया दूसरों के दम पर तो कुत्ते भी शेर होते हैं चलना सिखाया
मेरी माँ करो तो कोशिश उतारने की, उतरता खाली मारता है बहुत। लगा मार दिया उस हाथ को।